Hi guys, this is Ankara from General Study Channel. तो डोंट मग अप ट्राई टू बिल्ड अप रैशनल एंड लॉजिकल स्टडी. तो डिस्कस करने वाले हैं आज हम 13 दिसंबर का करंट अफेयर का क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है 12 दिसंबर 2018 को किसने नई दिल्ली में कला उत्सव का उद्घाटन किया है जी. तो किसने किया है अगर बात की जाए तो देखिए, कला उत्सव का उद्घाटन किसने किया जी, तो प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है जी. तो कला उत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है. ये वहाँ के स्कूली छात्रों को कला में बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है. तो दिल्ली के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे जी. दिल्ली के बारे में, दिल्ली का कैपिटल कहाँ है जी, तो दिल्ली का कैपिटल नई दिल्ली है जी. दिल्ली का कैपिटल कहाँ है, तो नई दिल्ली है जी. दिल्ली के सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है. दिल्ली के सीएम कौन है जी, तो अरविंद केजरीवाल है. दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल है. गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल है जी. लोकसभा की सीट कितनी है, 7 है. राज्यसभा की 3 सीट है. विधानसभा की 70 सीटें हैं जी. दिल्ली का गठन हुआ था 1991 संविधान संशोधन के अनुसार हुआ था जी. बात की जाए तो जल प्रवाह शिखर सम्मेलन दिल्ली में ही हुआ है. हौसला 2018 का स्थापना भी दिल्ली में हुआ है. मुख्य सचिव कौन है जी, तो विजय कुमार देव हैं. 38वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी आपको दिल्ली में हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल स्थापना कहाँ हुआ है जी, दिल्ली में हुआ है. चीफ जस्टिस कौन है जी, तो राजेंद्र मेनन है दिल्ली के. इंडिया एशियन इनोटेक समिट जो फिक्की के द्वारा किया गया था कहाँ हुआ है जी, तो वो भी आपको दिल्ली में ही हुआ है जी. तो हम लोग दिल्ली के बारे में इतना जाने जी. बात की जाए तो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है कौन है जी, मनीष सिसोदिया है. डिप्टी सीएम या आप कह सकते हैं जी स्वास्थ्य मंत्री भी वही है. कौन है, मनीष सिसोदिया है जी. और जो भी केंद्रशासित प्रदेश होता है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, इसलिए अनिल बैजल क्या है जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ पर. तीसरा मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है जी, तो दिल्ली में ही हुआ है आपको. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ जी, तो दिल्ली में हुआ है. चलिए, मुख्य सचिव कौन है, तो विजय कुमार देव हैं. बस इतना हो गया जी दिल्ली के बारे में. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे जी. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है जी. हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को मनाया जाता है. तो अगर डे वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम उस मंथ के क्या करेंगे, सारे डे को क्या करेंगे, रिविजन करेंगे. चलिए इस मंथ के हम लोग सारे डे को रिविजन कर लेते हैं जी. तो बात की जाए 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को क्या था जी, तो एड्स दिवस था जी. और क्या था, बीएसएफ स्थापना दिवस था. क्या था जी, बीएसएफ स्थापना दिवस था. 1 दिसंबर को बीएसएफ का 54वां स्थापना दिवस था. 2 दिसंबर को क्या था जी, तो नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे था या वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी था. 3 दिसंबर को क्या था जी, तो इंटरनेशनल पीपल ऑफ डिसेबिलिटी था, यानी विकलांगता दिवस था जी. 4 दिसंबर को क्या था, नेवी डे था जी. 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोयल डे था, यानी सोयल डे था जी. और 7 दिसंबर को क्या था, 7 दिसंबर को डो डे है जी, स्वतंत्र सेना झंडा दिवस मनाया गया और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया गया 7 दिसंबर को. बात किया जाए तो 10 दिसंबर को क्या मनाया गया जी, तो ह्यूमन राइट्स डे, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया जी. 11 दिसंबर को क्या मनाया गया, इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया जी. और 12 दिसंबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस. तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन से हम लोग इसके बारे में इतना सारे जाने. जब भी किसी मंथ में जब भी डे वाले दिवस वाले क्वेश्चन आएगा तो हम उस मंथ के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे जी, रिविजन करेंगे जी. तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी. इस वीडियो का हम लोग लाइक रखते हैं जी 1600, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जी. संयुक्त राष्ट्र के कैग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो राजीव महर्षि को चुना गया. राजीव महर्षि इंडिया के भी कैग के क्या है जी, कंट्रोलर एडिटर जनरल हैं, जिन्हें कैग में हेड पोस्ट मैंने कह सकते हैं आप, हेड होते हैं जी कंट्रोलर एडिटर जनरल. शॉर्ट में क्या बोला जाता है,
कैग बोला जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष भी कौन हुए, तो राजीव महर्षि हुए हैं जी। उससे हम फोर की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है जी, तो ये जमाल खशोगी को दिया गया। किसे दिया गया? जमाल खशोगी। जमाल खशोगी का डेथ हुआ है, पहली बार हुआ है कि टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसी मृत व्यक्ति को दिया है जी। जमाल खशोगी कौन से है जी, वही मृत व्यक्ति हैं। और दो और भी मिला है जो आप देख सकते हैं, दो और भी हैं जो जिंदा है, उन्हें भी आपको टाइम पत्रिका मिला है। ये तीन टोटल तीन व्यक्ति को मिला है जी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए 12 दिसंबर तक हमने जो भी रिवीजन किए हैं, आप अपने से फिर से वीडियो को पॉज कीजिएगा और सारे याद कर लीजिएगा जी, इस मंथ के जो भी मैंने अभी रिवीजन कराए हैं, क्योंकि अभी रिवीजन करा चुके हैं तो अभी रिवीजन कराने का कोई सेंस नहीं बनता है जी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसे महिला टेनिस एसोसिएशन कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार से पहले विजेता के रूप में चुना गया है, तो सचिता बाजिन को चुना गया है। किसको चुना गया जी, सचिता बाजिन को चुना गया है, जो क्या है नोआमी ओसाका के क्या है जी कोच है, कोच ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया, क्योंकि कोच ऑफ द ईयर ऐसा हो सकता है, कोच भी हो सकता है कोई, और जिन्हें टेबल टेनिस में जिनका अच्छा रोल हो जी, तो सचिता बाजिन है। किसके कोच है, नोआमी ओसाका के जी। हाल में ही किसने 10 दिसंबर 2018 को ऑपरेशन मिनिमम वेज शुरू किया जी, तो मिनिमम वेज ऑपरेशन मिनिमम वेज किसके द्वारा शुरू किया गया जी, तो दिल्ली के द्वारा किया गया है। दिल्ली के बारे में हमने रिपीट किया है जी, अब दिल्ली के बारे में पूरा जो जो मैंने बताया है उसको क्या करें, पूरा का पूरा रिविजन करें। इसमें दिया गया है जी मजदूरों को मिनिमम 14,000 रुपये मिलने चाहिए जी। हाल में किसने सतत ऊर्जा के लिए नियामक संकेतक नामक रिपोर्ट जारी किया, तो किसने किया जी, तो विश्व बैंक ने किया है। तो विश्व बैंक ने क्या किया है जी, सतत ऊर्जा के नियामक के लिए इस रिपोर्ट जारी किया है। तो बात की जाए वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं जी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो जिम योंग किंग है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी आपको यूएसए में है जी। और उसके सीईओ कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिया है। कौन है जी, क्रिस्टालिना जॉर्जिया है जी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने ट्विटर हैंडल @cyberdosh लॉन्च किया, तो किसने किया है, गृह मंत्रालय ने किया। ट्विटर हैंडल @cyber किसने लॉन्च किया है जी, तो गृह मंत्रालय ने किया है। जो हमारे गृह मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है जी, तो आपको राजनाथ सिंह है, जिनको हम लोग उप प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं इंडिया में। यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित भारत के पहले जिन मोने सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया, जीन मोनेस सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस का उद्घाटन आपको कर्नाटक में किया गया है। ये यूरोपियन यूनियन और इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से हो रहा है, जिसमें कर्नाटक किया गया है। तो कर्नाटक के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे, कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कर्नाटक के बारे में देखिए, तो कर्नाटक में बात की जाए तो कर्नाटक के सीएम कौन है, तो HD कुमार स्वामी है जी। गवर्नर कौन है, बाजू भाई वाला है। कौन है जी, गवर्नर कौन है, तो बाजू भाई वाला है। सीएम कौन है, HD कुमार स्वामी है। गवर्नर कौन है, बाजू भाई वाला है। कैपिटल कहाँ है ये, तो बेंगलोर है। कैपिटल कहाँ है, तो बेंगलोर है। और इसका स्थापना कब हुआ था जी, तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ पे जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, वहीं पे आपको क्या किया जी, यूरोपियन एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। बात की जाए तो लोक नृत्य कौन सा है जी, कर्नाटक का, तो यक्षगान। नेशनल पार्क कौन है जी, तो BBN याद करिए, BBN बांदीपुर बनरघट्टा नागरहोले। नागरहोले को क्या बोला जाता है, राजीव गांधी भी नेशनल पार्क बोला जाता है। बांदीपुर बनरघट्टा नागरहोले कौन सा जी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको कर्नाटक में है। हमने इस क्वेश्चन से इतना सिखा दी, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। कल जो क्वेश्चन का दिया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था, तो पुणे में किया गया था इसका खेलो इंडिया का। आज का सवाल है RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं। अगर आप वीडियो मेरा डेली का देखते होंगे तो आपको पता होगा जी, तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए आंसर जी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। रिवीजन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारत में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। भारत कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन मामले में विश्व में किस पायदान पे है। हाल में ही किसने स्कोप यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2018 जीता है जी। यूनिसेफ ने अपनी पहली नई गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। Enjoy your life.